गाइस कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है देवांश, देख रहे हैं देव चौधरी ब्लॉग्स। सो आज मैं बना रहा हूँ चीज सैंडविच, तो मैं आपको मिलता हूँ अब थोड़ी देर में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, आज मैं बना रहा हूँ चीज सैंडविच। तो चलो फिर मैं उसका सामान लेना चलता हूँ आपके साथ। मैं आपको मिलता हूँ शॉप पर पहुँच के। तो मेरा सामान एंड देखो, मेरे को देखिए ये बिल्ली देखो भाग गई। चलो आ जाओ, इसे उधर से पकड़ते हैं। गाड़ी के पीछे है वो बिल्ली, ओ भाग गई। गाड़ी के नीचे है या फिर वो भाग गई? गाड़ी के नीचे भी नहीं है, मतलब वो पता नहीं कहाँ भाग गई। इतनी जल्दी भागी, एकदम से गई गाड़ी के पीछे थी। तो चलो फिर अब मिलते हैं दुकान पर। अभी मैं आ चुका हूँ दुकान पे एंड अभी मैं ले रहा हूँ ब्रेड एंड बस। तो अब चलो फिर मैं आपको मिलता हूँ घर पे। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे एंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सामान में आज मैं किस चीज़ यूज करके अपना वो बनाने वाला हूँ। आलू की चटनी, ब्रेड जो मैं अभी लेके आया था, ये चीज़, ये दूसरी स्लाइस एंड चलो फिर अब एक बार रेडी कर लेते हैं। सो गाइस चलो अब प्रिपरेशन चालू करते हैं। पहले हम खोल लेते हैं अपनी ब्रेड। हमने रिसेंटली एक ओवन भी बाय किया था, तो आज मैं उसमें ही बनाने वाला हूँ। एक ब्रेड, दूसरी ब्रेड। अब ब्रेड का काम खत्म। ये लगा लेंगे अपनी हम थोड़ी सी आलू की चटनी, थोड़ी सी क्यों, बहुत है। आराम से, क्या कहते हैं, आराम से बना लेंगे, आराम से बढ़ते हैं इसे ज्यादा ज्यादा से, जैसे कि अच्छा सैंडविच बने। अच्छे से वो लगा लेते हैं एक बार मिक्सअप करके आलू की चटनी को, और आराम से बनाएंगे इसे फुल चीजी सैंडविच। ये चीज यूज होगी, मोज़रेला चीज यूज होगी एंड हमने एक रिसेंटली एक वो बाय किया था एक ओवन, सो आज मैं उसमें बनाने वाला हूँ, तभी तो चीज मेल्ट होगी।
दबा के। थोड़ी सी पिज्जा सॉस, जिससे कि थोड़ा अच्छा फ्लेवर, मतलब उसका फ्लेवर आए स्मोकी। लग गई एंड लग जाएगी इसमें अच्छी स्लाइस। एकदम फुल चीजी बना रहा हूँ मैं इसे। पहले से ही कर ली थी, जैसे आलू बॉईल कर लिया था इसी में किया था वो भी मैंने। अब चलो मैं अभी से ओवन को ऑन कर दूँ। गाइस अभी फोन गिर गया, तो टिक नहीं थी, पता नहीं क्यों बार बार इधर की तरफ जा रही है। डन, अब इसमें बस खोल के इसको रखना है। फुल चीज लोडेड सैंडविच, देखो रख दिया था इस पर। किड्स डिलाइट फोर्थ पैक मैंने पहले ही बुक रीड कर ली थी, तो उसमें दिखा रहा था और सैंडविच इसमें आएगा किड्स डिलाइट फोर। चलो अब इसे लगा देते हैं किड्स डिलाइट फोर पैक। फाइव हो गया, फिर से रीसेट करता हूँ। स्टॉप, 1 2 3 4 स्टार्ट। सो गाइस अभी ये हो रहा है, देखो इसकी अभी कुछ देर में चीज मेल्ट होने लगेगी। सो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, तो जब तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। गाइस थोड़ी थोड़ी चीज मेल्ट हो चालू हो गई है, आप देख सकते हैं। शायद क्योंकि ये जो होल्स हैं छोटे छोटे, ये आप इनकी वजह से आपको दिख भी नहीं रहा होगा। एंड अब मैं आपको मिलूंगा इसके बनने के बाद, जब टेस्टिंग का टाइम होगा। गाइस हो चुका है अपना सैंडविच रेडी, आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन चुका है। अब चलो फिर इसको निकाल लेते हैं, एंड अब है टेस्टिंग का टाइम। काश ये अच्छा बना हो।
चलो एक बार ट्राई करके ही पता चलेगा। ये मैंने पूरी बड़ी सी प्लेट में खा ली है। मैं आपको मिल दूंगा निकाल के, क्योंकि एक हाथ से निकालूंगा तो फिर दूसरे हाथ से उसमें रखूंगा तो आप कैसे ही दिखा पाऊंगा। गाइस ये कुछ लग रहा है हमारा वो इंडिया, मैंने फोट के लिए फोटे नहीं रहा क्योंकि क्या कहते हैं इससे ये चीज से चिपक रहा होगा पूरा का पूरा। चलो फिर अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको आवाज़ तो आई रही होगी, ओहो थोड़ा सा टूट गया। देखते हैं चीज पुल आएगा या नहीं, चीज पुल नहीं आया। चलो गाइस ये बहुत क्रंची हो रहा है एंड मैं आपको मैं इसके साथ दे रहा हूँ थोड़ी सी केचप। देखो सब मेल्ट हो गया। इतना अच्छा चीज का फ्लेवर आ रहा है। बस में एक चीज की कमी लग रही है जो कि है अपने वो ऑरिगेनो, तो ऑरिगेनो और होता तो ये इतना टेस्टी नहीं बनता। मैं आया था देखो ब्रेड वगैरह अच्छे से हो चुकी है। यू हैव टू ट्राई दिस, इतना टेस्टी बनाई है, उनको ट्राई जरूर करना चाहिए। एंड अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।